ये किताबी पुलिस टीम द्वारा एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा घेराबंदी करके एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया और दो अभियुक्त भागने में कामयाब है। जो पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये मोटरसाइकिलें विभिन्न स्टेट्स की हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, दो मोटरसाइकिलें हमारे यहाँ पिछले दोनों मोटरसाइकिल लूटी थी उनकी हैं और एक दिल्ली की चोरी की कनेक्ट हो गई, बाकी अभी मोटरसाइकिलें कनेक्ट होना बाकी हैं। इस अभियुक्त के पास से तमंचा बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए हैं और अभी जो दोनों शातिर बदमाश जो फरार हैं उनके गिरफ्तारी के उपरांत इस पूरे गैंग का अभी पता चलेगा, उनके मीडिएटर्स का पता चलेगा, कहां कहां से क्या मॉडस ऑपरेंडाई इनकी चोरी करने की थी उसका पता चलेगा, क्योंकि चोरी या लूट दोनों करते हैं तो ये खतरनाक गैंग है और बहुत जल्दी दो शेष दोनों जो इसके मेंबर्स हैं फरार हो गए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, पुलिस लिखी हुई बाइक भी बरामद जी? हाँ, इस पर जो बाइकें बरामद हुई हैं उस पर एक पुलिस लिखा हुआ भी है और उसके अलावा पुलिस कलर लिखा हुआ भी है और पुलिस कलर लगा भी हुई है, जो मैंने अभी देखा दो और मोटरसाइकिलों पर, तो संभवतः इसलिए लगाते होंगे ताकि कोई इन्हें टोकाटाकी ना करे। सर, जानकारी की है अभी तक कितने वाहन ही चोरी कर चुके हैं, कहाँ भेजते थे, कैसे? देखिए, ये जो हमारा मेंबर पकड़ा गया है ये इनके बीच का है और जिससे जितनी मोटरसाइकिल इनके द्वारा बेचे लूट कर और चोरी करके बेची गई थी वो बरामद हो गई। शेष दो मेंबर्स, क्योंकि गैंग में अपने डिफरेंट मेंबर्स रखते हैं, शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत और गैंग का जो है वर्कआउट होगा और मोटरसाइकिलें पिछला गैंग पकड़ा गया था ये भी उसी से कनेक्टेड है? नहीं, जो पिछला गैंग पकड़ा गया था वो अलग है और ये गैंग अलग है। देखिए, अभी इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी इनकी और की जा रही है और तीन तो हमारे यहाँ की दो लूट हो गई हैं और एक ये पुलिस मुठभेड़ है और एक और दिल्ली की चोरी की है, बाकी और इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी की जाएगी, ये मोटरसाइकिलें भी कनेक्ट की जाएंगी, तब इनका एक बड़ा आपराधिक इतिहास निकलेगा। ठीक है, थैंक यू।